ये कह रहे हैं कि जो आप समर्थन में प्रस्ताव लेकर के आए थे विधानसभा के अंदर केंद्र के कृषि कानून का, वो वापस होना चाहिए, उसको लेकर के क्या विषय है? नहीं, जब कृषि कानून रद्द ही कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, घोषणा कर दी कि उनको हम वापस लेते हैं, और मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसका एक प्रस्ताव पास भी कर दिया, तो वो उसके कोई मायने रहते, क्योंकि वो कानूनी सेंटर ने बनाए थे तो केंद्र के कानून बनाए, स्वयं प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो सर, ये कैबिनेट के अलावा एक और सवाल है, रणदीप सुरजेवाला या ये कई कांग्रेस एक बार फिर आपकी सरकार पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिस पर बैठकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है, और सरकार और मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसको ऑफिस से पैसे बराबर नहीं हुए, जबकि स्टेट बिजनेस ने अपनी जो रिमांड देखिए देखिए उसके बाद पूरी जानकारी उसके बाद दे दी गई, क्योंकि जैसे ही घटना हुई आपने तुरंत माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में जानकारी ली, तो जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही होगी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। अगर पूर्व की सरकारों को आप देखें तो पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की ना ही तो कभी कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई की तो उसके बचाव के लिए काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो पारदर्शिता लेके चल रही है और किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए सरकार ने कभी उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं की कि किस कौन व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई की, और अभी एक चाहे हमारा अधिकारी भी था तो सरकार ने निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं देखे, स्कूल हम पूरी तरीके से उसी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खोलने जा रहे हैं और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं। जो आपने बात कही हुआ, हो सकता है कि कोई केस पंजाब में मिला होगा, लेकिन एक केस की वजह से, दो या तीन केस की वजह से हम इस प्रकार से इस निर्णय को बदल नहीं सकते, और अगर कोई भी स्थिति इस प्रकार की हमारे सामने आती है, मान लीजिए कोविड का प्रभाव कहीं बढ़ता है, तो निश्चित तौर से तुरंत उस पर निर्णय लेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले से लागू है, अभी हमारे स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से खुले हुए हैं और वो कोविड प्रोटोकॉल पहले से भी चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी जब स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे उसमें भी उस प्रकार से लागू रहेगा। देखिए अभी जिस प्रकार से जो भी एजेंडा बनेगा उसके बारे में हम जानकारी उसके बाद देंगे। नहीं देखिए, सरकार में काम को चुस्त दुरुस्त चलाने के लिए कोई भी सरकार है वो अपने निर्णय लेती रहती है, कुछ पद बनाती भी रहती है, कुछ कम भी करती रहती है, ये तो सरकार का अधिकार है उसमें वो ठीक करने के लिए निर्णय लेती रहती है। नहीं देखिए, ये तो आरोप लगाने के लिए, क्योंकि सुरजेवाला जी को लगाना तो कुछ ना कुछ कहना ही है, रिमांड देना कोर्ट का काम है, हमारा जो है हमारा एक पक्ष रखना कि उसके खिलाफ हमें रिमांड चाहिए, वो हम रख सकते हैं, पुलिस उसको रख सकती है, लेकिन वो रिमांड कितना देना या नहीं देना वो कोर्ट के हाथ में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में कई सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं एनबी न्यूज पर। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बैठक के बाद लिए गए फैसलों को दी जानकारी। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एनबी न्यूज के साथ।
टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज, जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।